हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो भाई लोग, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई है जिन्होंने बीआरओ के फॉर्म फिलअप किए है, जो पोस्टें आई थी एमएसडब्ल्यू की और स्टोर कीपर टेक्नीशियन की। तो भाई लोग, उन बच्चों को मैं बता दूं कि आप चिंता ना करें, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूँगा। कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे और कैसे आएंगे, किस तरह का रहेगा, तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और बिना स्किप किए हुए, ताकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे आपसे। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूँ, जो जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था एसकेटी और एमएसडब्ल्यू वालों ने, नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चों ने, तो मैं उनको बता दूँ कि जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था उसके लगभग 2 महीने के बाद एडमिट कार्ड घर पर आ गया था। तो भाई लोग, पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आता है एडमिट कार्ड, तो आपको अपडेट रहना है, जब पोस्ट ऑफिस से बात कर लेनी है। कई बार क्या होता है कि आप घर में नहीं होते और वो लेके चला जाता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि वो आपका एडमिट कार्ड लेके ना जाए वापस। तो उसके बाद एडमिट कार्ड, इस पर मैंने वीडियो भी डाली, आप ध्यान से देखना मेरे यूट्यूब चैनल पर, एडमिट कार्ड कैसा रहता है, किस तरह का होगा, क्योंकि जो आपने एडमिट कार्ड फिलअप किया होता है और भेजा होता है भाई, वो भेज देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि फिर उसके बाद मेरे को पेपर का जो मेरे को टाइम मिला था वो मिला था 1 महीना, बाकी बच्चों को कम मिला था, क्योंकि पेंटर के वाले बच्चों को सबसे पहले उनका एडमिट कार्ड आया था और उनको 1 महीना का समय मिला था लर्निंग के लिए। तो देख लीजिए, आपको क्या पता कब कितना टाइम मिले, क्योंकि कुछ बच्चों को 1 सप्ताह ही मिला था, कुछ बच्चों को 1 महीना ही मिला था। तो आप परेशान ना हो, एडमिट कार्ड सब आ जाएंगे, जब आपने फिलअप अच्छा किया होगा, पूरा भरा ठीक होगा, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कट ऑफ लिस्ट भी जाती तो है, बट अगर बच्चे कम हुए तो वो सभी बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप टेंशन ना लें, कमेंट करके बताएं किन किन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, फिर हम उसी के रिलेटेड क्लासेस भी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।